दमन एक उड़ीसा गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम था, दमन मतलब दुर्गम अंचल में मलेरिया निराकरण, जो रिमोट एरियाज है वहाँ पे कैसे मलेरिया का इरेडिकेट किए थे उसी के ऊपर ये कहानी है। और इसके साथ साथ एक डॉक्टर की कहानी है, जो यंग डॉक्टर रहते हैं जिनको रिमोट एरिया में विलेज एरिया में पोस्टिंग होता है बिगिनिंग में, वो कैसे जाके वहाँ पे काम करता है, बहुत बाधाएं रहता है वहाँ पे, असुविधा बहुत रहता है, उसके बावजूद वो वहाँ पे कैसे काम करता है उसी के ऊपर कहानी है। बहुत चैलेंजिंग रहा क्योंकि पहले कभी डॉक्टर का कैरेक्टर नहीं किया था मैंने। रियली थैंकफुल टू द एंटायर टीम, माय डायरेक्टर, माय प्रोड्यूसर एंड द कास्ट एंड क्रू, उन्होंने एक मौका दिया ऐसे फिल्म में एक पार्ट होने के लिए जो उड़िया फिल्म इंडस्ट्री को एंड द कंप्लीट स्टेट इज़ हैप्पी राइट नाउ फॉर द फिल्म। गाँव में वो तो कट ऑफ एरिया है, चैलेंजेस से ज़्यादा इट वॉज लाइक मोर ऑफ एन एडवेंचर फॉर मी, जो काम के पहले कभी नहीं किया था वो करने को मिला मौका। और आई वॉज रियली कनेक्टेड विद दोज पीपल एंड दैट प्लेस, और सच में वहाँ पे अभी भी प्रॉब्लम है। आई वॉज रियली हैप्पी आई गॉट टू वर्क इन दिस फिल्म। ओरिजिनल लोकेशन में शूट करना जरूरी था इस फिल्म के लिए कम से कम, क्योंकि वो जो लुक एंड फील है वो हम दिखाना चाहते थे फिल्म के थ्रू कि लोग एक्चुअली कैसे काम करते हैं, और रूरल एरिया में जहाँ पे लोकेशन में पहुँचने के लिए मतलब कोई भी गाड़ी नहीं है, कोई भी सुविधाएं नहीं है, और वहाँ पे जाके कैसे काम करते हैं, वो चीज़ें दिखाने के लिए हमें वही लोकेशन में ही जाना ज़रूरी था, इसलिए हमने उसी लोकेशन को चुना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम था आर्टिस्ट का, जो हम कम से कम 200 आर्टिस्ट हैं इसमें, जो जूनियर क्राउड सब मिला के, उनको लेकर डबिंग करना बहुत ही मुश्किल था। तो हम लोग वो रॉ चीज़ लाना चाहते थे कि वही लैंग्वेज जो ट्राइबल लैंग्वेज है इसमें यूज हुआ है, तो वही लोग हैं, तो हमें थोड़ा सा मतलब जो चाहते थे वो हमको मिला, इसीलिए हम लोग चाहते थे बिगिनिंग से कि उनको कैसे ऑडिशन किया जाए, वर्कशॉप किया जाए उनके साथ। फिर वही एक चैलेंजेस था सबसे बड़ा आर्टिस्ट का, और दूसरी बात है कि लोकेशन का चैलेंजेस था। जब आप ओरिजिनल लोकेशन में शूट करते हो तो आपके पास ना वैनिटी वैन रहता है ना कोई सुविधाएं रहता है, तो ये दो चैलेंजेस था। थैंक्स टू आवर ऑडियंस कि ओडिशा में फिल्म इतना सबसे ज़्यादा फुटफॉल हुआ है, जिसके वजह से बहुत सारा डिमांड आया सोशल मीडिया के थ्रू, लोगों ने मैसेज किया कि इसको हिंदी करना चाहिए, फिर हम लोगों ने हिंदी किया। आज बहुत ही खुशी महसूस कर रहे हैं कि पैनोरमा स्टूडियोज इसको रिलीज़ कर रहे हैं और अजय देवगन सर इसको ये ट्रेलर को लॉन्च किए, तो बहुत खुशी मिल रही है। जैसे कि मैंने बोला कि अजय देवगन सर इसको ट्वीट किए हैं, विद्युत जमाल सर किए हैं, और बहुत सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे भी सपोर्ट मिला है, बहुत सपोर्ट मिला है। थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है इस फिल्म के साथ एसोसिएटेड हूँ, एंड इतना अच्छा करेगी ये फिल्म कभी सोचा नहीं था मैंने। और जब हम म्यूज़िक मतलब जब मैंने स्क्रिप्ट सुना था मुझे लगा था कहीं ना कहीं ये डॉक्यूमेंट्री हो जाएगा, पर जब मैं इन्वॉल्व होता गया तो और ज़्यादा अच्छा लगा और ज़्यादा इंटरेस्ट आया, क्योंकि
इसमें बहुत ही एक एंटरटेनमेंट वैल्यू भी था और कुछ मैसेज भी जाता था लोगों के लिए. तो इस कॉन्सेप्ट में म्यूज़िक करना बहुत ही चैलेंजिंग था. और थैंक्स टू द डायरेक्टर्स देवी भाई, विशाल भाई एंड द एक्टर बाबूशान भाई, बहुत बहुत इनपुट्स दिया उन्होंने, बहुत मदद किया मेरे को. एंड टू आर एंटायर टीम, हम लोगों ने बहुत हार्डवर्क किया. करीब सिक्स मंथ्स हमने म्यूज़िक के लिए स्पेंड किया. और एक चीज़ मैं बोलूँगा, दीप भाई उन्होंने फ्रीडम दिया था कि तुम्हें जो एक्सपेरिमेंट करना है, जो जिस जॉनर में जाना है जाओ, कोई मतलब क्रिएटिव बाउंड्रीज नहीं था. तो इसलिए बहुत अच्छा लगा. और जब हमारा बात आया कि हम लोग हिंदी में ये फिल्म करेंगे, तो हमारा मेन मोटिव यही था कि जो सारे गाने सब थे वो ट्रांसलेटेड साउंड ना करें. जैसे आप मतलब साउथ के फिल्मों में देखते हैं या सुनते हैं कि एक म्यूज़िक जो पहले तेलुगु या तमिल में होता है, जब हिंदी में डब होता है तो ट्रांसलेटेड सुनाई देता है. तो हमारा मोटिव वही था कि मैंने और मेरे लिरिसिस्ट जो हैं दिव्यजीत साहू, उन्होंने मिलके मतलब बहुत मतलब 6 दिन में हम लोगों ने 4 गाने क्रैक किए. एंड बहुत ही अच्छा निकला है सब गाने. एंड होप सबको पसंद आए. थैंक यू जी. जी जी दे वर वेरी इमोशनल. माय पेरेंट्स हैव बीन वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री फॉर द लास्ट 40 इयर्स. मुझे 15 साल हो गए, 50 पिक्चरें कर चुका हूँ. एक उड़िया पिक्चर आई है यहाँ पे, अजय देवगन सर ही इज़ रिलीजिंग आर ट्रेलर. ये मेरे लिए ही नहीं, मेरे पेरेंट्स के लिए ही नहीं, एंटायर उड़ीसा के लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट है. एंड दिस इज़ अ सेलिब्रेशन फॉर ऑल ऑफ अस. जी पहले तो इस मूवी में 4 गाने हैं, 4 डिफरेंट अलग अलग जॉनर्स के हैं. और 4 गानों में 2 गाने दिव्य कुमार जी ने गाए हैं और 1 गाना जावेद अली जी और 1 गाना अभय जोधपुरकर. तो सारे गानों में आपको अलग अलग मतलब फील सुनाई देंगे. एक गाना मैं गाना चाहता हूँ, वो अभय जोधपुरकर जी ने जो गाया है, कोई है क्या गाना है. कच्ची मिट्टियों के प्याले, हल्के रेशों के ये जाले, धीमी धीमी चेहरों की गर्दी, कोई है क्या मुझे जो पहचाने. तस्वीरों पे धुंध की परत है जम, गीले हाथों से इनको मिटा दे अब कोई. रूठे रूठे अंधेरों में गुम है परछाई, मुझसे ही मुझे मिला दे फिर कोई. कच्ची मिट्टियों के प्यार. उड़ीसा ने बहुत सपोर्ट किया, उड़िया के ऑडियंस ने इस पिक्चर को यहाँ पे पहुँचाया. अभी एंटायर नेशन का सपोर्ट चाहिए, आशीर्वाद चाहिए. जय जगन्नाथ. तीन तारीख को दमन आ रही है ऑल ओवर इंडिया में. वी आर वेरी मतलब सभी बहुत ही खुश हैं, नॉट ओनली दमन टीम बट द एंटायर उड़ीसा इज़ वेरी हैप्पी. बिकॉज फर्स्ट टाइम ऐसा होगा जब कोई एक उड़िया फिल्म हिंदी में डब होकर ऑल ओवर इंडिया में रिलीज़ होने वाला है. सो वी आर वेरी एक्साइटेड एंड वेट कर रहे हैं कि कब 3 तारीख आए और जल्दी ये रिलीज़ हो. वी आर वेरी मच एक्साइटेड, नॉट बिकॉज ऑफ अस, क्योंकि हमारा फिल्म है इसके लिए नहीं. हम जहाँ से बिलोंग करते हैं उड़िया फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि हम इस फिल्म के जरिए अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो टेक्नीशियन हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं.
अपना काम दिखाने का एक मौका मिल रहा है पैन इंडिया, क्योंकि उड़ीसा में जब फिल्म रिलीज़ हुई थी नवंबर 4 को, तो वो उड़ीसा, मुंबई, बैंगलोर ऐसे गिनी चुनी शहरों में रिलीज़ हुई थी, लेकिन इट्स नाउ रिलीजिंग ऑल ओवर इंडिया। सो एज एन आर्टिस्ट यू ऑलवेज ट्राई कि हमारा काम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। सो आई एम वेरी मच एक्साइटेड। लिरिक्स लिखा हुआ है इसका जी, मैं एब्सोल्युटली एक्साइटेड, क्योंकि जिस तरह से दमन को हम मालकानगिरी के पहाड़ों से लेके भुवनेश्वर तक लाए, फिर मुंबई तक लेके आए, अब पैन इंडिया जा रहे हैं, तो मैं बहुत उम्मीद कर रहा हूँ कि ये फिल्म आप सबको अच्छी लगेगी। आई इट इज़ रिलीजिंग ऑन 3rd फे। बहुत बढ़िया रहा, जहाँ पे जिस एरिया के ऊपर बेस्ड है ये फिल्म, जानबाई मालकानगिरी की एक कहानी है, तो हम वही कटअप एरिया में जाके शूट करना पड़ रहा था। वहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं था, ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, रोड्स नहीं थे, लेकिन वहाँ पे के जो लोग हैं वो काफ़ी हेल्पिंग है, तो इसी के वजह से, लोकल सपोर्ट के वजह से हम बहुत अच्छी तरीके से शूट कर पाए। और ये फिल्म एज एन एक्टर मेरे लिए बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि आई गॉट अ अपॉर्चुनिटी टू स्टे देयर एंड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर द लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पे जो इस फिल्म के जिस एरिया के बारे में हम बोल रहे हैं, वहाँ पे एक सर्टन ट्राइबल लैंग्वेज बोला जाता है, जो मैं फार्मासिस्ट का किरदार निभा रहा हूँ, तो वो वहीं का लोकेलिटी है, तो आई हैव टू प्रैक्टिस दैट लैंग्वेज, बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम भुवनेश्वर, सो वो लैंग्वेज से मैं वाकिफ नहीं हूँ। सो दिस इज़ अ वेरी वीक चैलेंज फॉर मी। आई वुड लाइक टू थैंक माई डायरेक्टर, जिन्होंने इसको मुझे एक स्कोप दिया, उन्होंने समझा कि एक्टर के लिए प्रिपेरेशन कितना इम्पोर्टेंट होता है, तो आई एम थैंकफुल टू हिम। इट्स अ वेरी क्वाइट एन्जॉयबल प्रोसेस फॉर मी। देखिए, दमन फिल्म की अगर हम बात करें तो शूटिंग करने में तो काफ़ी चैलेंजेस थे, बिकॉज इस पिक्चर को जितना रॉ हम लोग रख सकते थे उतना हम लोगों ने कोशिश किया है, बिकॉज जैसा हम बोलते हैं, बताते हैं पोस्टर के थ्रू एंड फिल्म में भी, कि इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। तो जब हम ट्रू इवेंट्स की बात करते हैं, तो ऐसी जगह शूट होना चाहिए जो रियल है, जो लोग हैं वो रियल दिखें। तो उड़ीसा में एक जगह है जहाँ का नाम है कोरापुट एंड मलकानगिरी, तो मलकानगिरी हम लोग गए, वहाँ पर रियल लोकेशंस पे गए, जो गांव थे काफ़ी इंटीरियर में होते थे, एंड कभी कभी ऐसा होता था कि हम लोग अंदर शूटिंग कर रहे हैं गांव में, एंड फूड का जो आता है, लाइक लंच आना है कभी टीम का, या फिर किसी आर्टिस्ट को गांव तक आना है, तो मोबाइल फ़ोन वगैरह वहाँ पर काम नहीं करते थे, तो 15-20 किलोमीटर तक गाड़ी लेके उनको लेने जाना पड़ता था, मतलब जो था हमारा टीम को, तो ये सारे चैलेंजेस थे। उसके अलावा इक्विपमेंट को कैरी करना, माउंटेन के ऊपर लेके जाना, नदियां हैं और खच्चर के थ्रू हम लोग जाते थे, सो ये सारे चैलेंजेस थे। इसके अलावा एक चीज़ थी कि बाबू शान एंड दीपान्वित के अलावा जितना भी कास्टिंग हम लोगों ने किया है वो सारा लोकल से कास्टिंग किया है, तो उनको फिल्म के हिसाब से दिखाना, स्क्रीन पे दिखाना, उनके साथ काम करना सीन के लिए, सो दैट वॉज वेरी चैलेंजिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, वेदर वॉज वेरी वेरी, आई मीन ऐसा था कि कभी भी कुछ भी हो जाता था, लाइक हम लोग शूट कर रहे हैं अभी धूप है, कभी वहाँ पर फिर बारिश होती थी, तो इस चक्कर में क्या होता था, सीन कभी होता है कभी नहीं होता है, तो काफ़ी सारे चैलेंजेस रहे हैं, बट कोशिश यही है कि जितना रॉ एंड ऑनेस्टी से दिखा पाएँ अपनी कहानी को, वो हम लोगों ने कोशिश किया है। शूटिंग के दौरान बहुत अच्छा रहा, जो कि लोग थिएटर में जब बाहर आएंगे फिल्म देख के, दे विल रियलाइज कि जो फार्मासिस्ट और डॉक्टर के का केमिस्ट्री है, वो बहुत सारे इमोशनल मोमेंट है, बहुत सारे कॉमेडी मोमेंट है, लोग रिलेट करेंगे और आखिरी में दे विल रिमेम्बर द केमिस्ट्री। सर, जो फिल्म की लिरिक्स जी, अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि ये फिल्म जो है कंटेंट बेस्ड है, और ये गाने यहाँ पे जैसे प्लेस किए गए हैं, ये कहानी को आगे लेके जाती है, जितने भी सारे गाने हैं, एक वहाँ पे भाई कट कर दो तो करेक्ट। जैसे कि आपको पता है कि सारे गाने इस फिल्म के कंटेंट ओरिएंटेड है, सिक्वेंशियल है, फिल्म के कहानी को आगे लेके जाती है, तो सबसे पहला गाना जो इस फिल्म में आता है उसका नाम है ढिमसा। मैं आपको ढिमसा गा के सुनाता हूँ। ओ बाबू सरकारी, ओ रे जनहित में जारी, कैसे खींचेगा बता पेंचर चक्के से लारी,
कहीं गुम है जमूरा चांबा फूके मद्दारी आवारा मनसूबे हैं तेरे माथे पे भारी लौट जा रे घर तेरे लौटे जा तू सुने ना सुने बुझे ना बुझे हवा ढेम सा नाचे रे तेरी चाल से हुए बेखबर हवा ढेम सा नाचे रे थैंक यू थैंक यू एक डॉक्यूमेंट्री करने गए थे मैं और देवी 2020 में तो डॉक्यूमेंट्री को करके आइडिया आया कि मलेरिया के ऊपर इस तरीके का हम लोग फिल्म बना सकते हैं एंड उस फिल्म में हमें सबसे अच्छा ये लगा कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं ग्राउंड लेवल पे जाते हैं एंड अलग अलग तरह के जो एम्प्लॉई लाइक आशा है आंगनवाड़ी है फॉरेस्ट गार्ड है BDO है एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी जुड़े हुए डिपार्टमेंट के लोग हैं कैसे ग्राउंड में जाके इतना डिफ़िकल्टी से वो गांव तक जाते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं कि आप मच्छरदानी लगाइए इसको आपको लगाना चाहिए एंड किस तरीके से ये सारे डिपार्टमेंट लाइक दो दो तीन तीन घंटे के बाद भी जाके रीचेक भी करते हैं लाइक सपोज़ आशा आंगनवाड़ी गई हैं उसके बाद कोई दूसरा बंदा जाके चेक करता है कि अच्छा वो आए थे क्या देन ही क्रॉस चेक तो ये जो एटीट्यूड था और ये जो उन लोगों ने मेहनत की है उस वजह से मलेरिया केसेस एक्चुअली में कम हुए हैं उस एरिए में तो वही चीज़ कहीं ना कहीं हम लोगों को टच किया बिकॉज हम हमेशा देखते हैं कि अगर हम बात करें हीरो की फिल्म के हीरो की कभी लगता है कि एक बहुत बड़ा कैरेक्टर होना चाहिए इतना बड़ा जिसके बारे में सब जानते हों लाइक बड़ा IAS या कोई बड़ा आदमी हो हमें लगा कि हमारे जो रियल हीरोज़ हैं वो ऐसे ही लोग हैं जो एक्चुअल में ग्राउंड में जाके काम कर रहे हैं एंड साइलेंटली काम कर रहे हैं जिनके बारे में हम लोगों को पता नहीं है तो उड़ीसा गवर्नमेंट का स्कीम है दमन जिसमें इतना हार्ड वर्किंग काम चल रहा है सो वी जस्ट थॉट कि इस चीज़ को हमें कभी ना कभी अपनी कहानी के थ्रू लेके आना है एंड लकीली एक डॉक्टर की कहानी के थ्रू हम लोगों ने सारा चीज़ें दिखाने का कोशिश किया है एंड आवर पीपल्स आर लाइकिंग दिस चैलेंजिंग जैसे वो ज्योग्राफिकल रीजन के बारे में बात करेंगे तो इस हिसाब से चैलेंजिंग था क्योंकि हम यहाँ पे रह रहते हैं भुवनेश्वर में वहाँ पे कभी कभी छुट्टियों में जाते हैं घूमने के लिए लेकिन वहाँ पे जाके फिल्म शूट करना इट्स क्वाइट चैलेंजिंग बट मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंज था वो लैंग्वेज जिसमें बोला कि वो ट्राइबल लैंग्वेज वो टिपिकल वो नुआंसेस पकड़ना आई थिंक आई एम वेरी थैंकफुल टू माई डायरेक्टर जिन्होंने स्कोप दिया कि आई वेंट देयर 14 डेज बिफोर 2 weeks बिफोर एंड आई स्टेड विद द पीपल आई टॉक टू देम आई लिसन टू देम एंड उनके साथ मिलने के बाद एक थोड़ा बहुत वो जो लहजा आया कि वो कैसे बात करते हैं कैसे चलते हैं उनका चलना भी तरीका कुछ अलग है वो ट्राइबल पीपल हैं तो उनका चलना तरीका उनका बात करने का तरीका वो सब अलग है एक लहर है उसमें तो वो प्रैक्टिस करने को मौका मिला और आई एम वेरी थैंकफुल टू डायरेक्टर क्योंकि ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि सेट पर जाओ तो तभी स्क्रिप्ट मिलता है आपको तभी 10-15 मिनट में प्रिपेयर करके डायलॉग बोलना पड़ता है लेकिन यहाँ पर एक प्रोसेस के मतलब सिर्फ मैं नहीं सभी एक्टर को वर्कशॉप किया गया लेकिन इस हिसाब से वो जो परफॉर्मेंस है वो निखर के आया सामने आया आई एम वेरी थैंकफुल जो डायरेक्टर समझते हैं कि एक्टर के लिए वो प्रिपरेशन कितना इम्पोर्टेंट होता है जी नहीं ये तो कभी सोचा नहीं और जब बनाना स्टार्ट किए तो माइंड में बस यही आइडिया था कि एक अच्छा कहानी हाथ में है अच्छे एक्टर हमारे साथ में है तो उसको लेके फिल्म बनानी है और उड़ीसा में हमें इसको रिलीज़ करनी है तो यू वॉन्ट बिलीव कि जब हम इसको उड़ीसा में रिलीज़ करने का मतलब चल रहा था 3 डेट हम लोगों को शिफ्ट करना पड़ा बिकॉज ये पिक्चर इतना अलग था कि इसमें कोई भी इस तरह का गाना नहीं है लाइक लव नहीं है हीरोइन नहीं है तो लोगों का माइंड सेट एक होता है कि अरे इस पिक्चर में तो हीरोइन भी नहीं है लव स्टोरीज़ नहीं है तो इस पिक्चर को कौन चलाएगा तो एक स्ट्रगल हम लोगों को उस जो मतलब एक बहुत बड़ा फेस था कि हम लोगों को नंबर ऑफ़ हॉल्स जितने चाहिए थे मिल नहीं रहे थे तो काफ़ी स्ट्रगल किया बट लकीली वी गॉट हॉल्स तो उड़ीसा में आपको बताऊं कि अभी लगभग 55 हॉल ही ऑपरेशनल्स हैं ओनली 55 हॉल्स और उन हॉल में इस पिक्चर ने इतना बढ़िया लाइक बम्पर बिजनेस किया है तो उड़ीसा की अब तक का सबसे बड़ी फुटफॉल वाली ये पिक्चर बन गई है एंड वी आर होपिंग कि जब ये पिक्चर हिंदी में आए तो लोगों का उसी तरीके से प्यार मिले सर, आप क्या कहें? जब आपके पास ये स्क्रिप्ट आई, तो आपने इसको पढ़ा, आपने सबसे पहला परिचय किया, करना है, नहीं करना?
नहीं, जब पहली बार मैंने आरएसएन सुना, आई वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट एंड आई वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट कि दिस इज समथिंग बिग, दिस इज समथिंग डिफरेंट, और कुछ हटके कर रहे हैं हम, और ऐसे लोग मिलकर कर रहे हैं जिनको सिनेमा के बारे में नॉलेज है, जो अपडेटेड है कि वर्ल्ड सिनेमा कैसे बन रही है अभी, बाकी रीजनल लैंग्वेज में कैसे सिनेमा बन रही है। और सिर्फ एज एन एक्टर मैं अपने बारे में नहीं बोलूँगा, और एक्टर के बारे मतलब छोड़ के जो सिनेमाटोग्राफर है, साउंड डिजाइनर है, म्यूजिक डायरेक्टर है, लिरिक्स राइटर हैं, तो एवरीवन वाज मतलब टेक्निकली बहुत साउंड है। इसीलिए एक फिल्म एक पैकेज के तरह से आता है कि एवरी डिपार्टमेंट को अच्छी तरीके से केयर किया गया है। सो दिस इज़ अ फुल पैकेज। सो जब मैं नारासन सुना और जब मैं पता चला कि ये लोग काम कर रहे हैं इस फिल्म में, आई वाज वेरी मच कॉन्फिडेंट कि दिस इज गोइंग टू बी बिग। नहीं, पैन इंडिया के मतलब उस डायरेक्शन में नहीं सोचे थे, लेकिन कुछ तो अच्छा बन रहा है ये पता चल रहा था। जब ये लिरिक्स के लिए ये काम आया, जब तब मैं प्रेशर में भी था, क्योंकि जैसे कि आपको पता है दमन सुपर हिट है उड़ीसा में, बहुत लोग उसे प्यार किए हुए हैं, इतना प्यार मिला है लोगों का, तो एक मतलब लाजमी है कि एक प्रेशर आ ही जाता है आपके ऊपर कि मतलब यू रिटेन दैट क्वालिटी जो ऑलरेडी पिक्चर का स्टैंडर्ड है। तो हम जब पैन इंडिया के लिए गए के लिए सोच रहे थे, तब काफ़ी सारी चीज़ें, और मिस्टर विशाल बोरिया ने बहुत हेल्प करी, क्योंकि वो ग्वालियर से हैं, खुद हिंदी भाषी हैं, तो बड़ा सूझबूझ है उनका लिरिक्स में, तो उन्होंने भी काफ़ी हेल्प किया। एंड डेफिनेटली गौरव आनंद, उनकी मेलोडी में वो उतना स्कीप था एक पोइट्री को प्लेस किया जा सके। तो मैं शुक्रगुजार हूँ सबका, दीपेंद्र सामल सर का, बाबूशान महंती सर का, कि मुझे इस काम के लिए, इतने बड़े फिल्म के लिए मुझे चुना गया, और आई एम रियली होपफुल एंड एक्साइटेड। देखिए, एक बात बोलता हूँ, जैसे दमन का जो दमन कैंप जो होता है गवर्नमेंट का, वो एक टीम वर्क है, ऐसे ही ये दमन फिल्म भी एक टीम वर्क है। तो अगर सारे डिपार्टमेंट का काम अच्छा नहीं होगा तो फिल्म आगे तक नहीं जा पाएगी। करेक्ट करेक्ट, तो इससे टीम एफर्ट। सर, 3 फरवरी को आपकी फिल्म आ रही है, आप दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं? दर्शकों से यही कहना चाहते हैं, कभी मतलब प्री बुकिंग कर लीजिए, 3 फरवरी को आ रही है, मतलब फर्स्ट डे फर्स्ट तो होना चाहिए आपकी तरफ से। हम कब से इंतजार करके बैठे हैं, और काफ़ी लोगों ने इसको ऑलरेडी प्यार दिया हुआ है, हम आपको नाखुश नहीं करेंगे। यू लाइक द फिल्म, वी आर डेफिनेटली श्योर अबाउट इट। एंड ये आई वुड लाइक टू से कि दिस इज़ ए ट्राइड एंड टेस्टेड फिल्म। ये फिल्म अच्छी बन चुकी है उड़िया में, एंड पैन इंडिया में रिलीज़ हो रही है 3 फरवरी को, तो इट्स रीचिंग टू ए वाइड, मतलब ज़्यादा ऑडियंस के पास पहुँच रही है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि सब आइए थिएटर, फिल्म देखिए, दिस इज़ ए इश्यू बेस्ड फिल्म। ये फिल्म आपको सोचने के लिए ज़रूर मजबूर करेगी। बस उम्मीद यही है कि 3 तारीख को जब पिक्चर पूरे ऑल ओवर इंडिया में रिलीज़ होगी तो लोग पसंद करेंगे, एंड उड़ीसा में जैसे लोगों ने प्यार दिया है, ऑल ओवर इंडिया से वैसे ही प्यार मिलेगा। सो वी आर जस्ट होपिंग दैट। थैंक यू। थैंक यू।